कमेटी के लिए भी नहीं। आप डेरिव ले जा सकते हैं। इतनी पन्नी गंदी की मसाला दिखाई तो पर नहीं रहा। हेलो 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 पे कोई भी दर्शक नहीं बैठेगा, कृपया बाहर चला जाए। वो उससे दोनों साइड जो डगआउट बने हुए हैं। पवन सिंह जी आ रहे हैं। लाइन अप जाओ, पहले तीन महीना दे जाएगा। का करो घोरो तो बीच में टप टप लगा लो वाले हटा गए। भारी मात्रा में दर्शक आज इस मुकाबले को देखने के लिए मैदान पर आए हैं। दर्शकों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। दोनों ही अच्छी टीमें हैं, अच्छे खिलाड़ियों से भरी हुई है दोनों टीमें। एक से बढ़कर एक तूफानी खिलाड़ी दोनों टीमों में मौजूद है। फाइनल का मुकाबला ग्रामीण स्तर पर मसाला तो नहीं खा ये अपने क्षेत्र के सबसे मतलब बेस्ट बैट्समैन मान के। अच्छा, बड़ी दूर दूर तक इनका नाम है। इन्हीं बारे में चर्चा हो रही है। ऐसा आयोजन मिट्टी का तालाब में अभी तक नहीं किया गया था। और माँ लक्ष्मी डेकोरेशन का बल्लेबाजी करने का फैसला लिया है मास फाइटर के कप्तान कन्हैया जी ने। एक बल्लेबाज मास फाइटर के लिए बल्लेबाजी करता है। सभी बढ़कर एक नाम है उनकी टीम में मौजूद और हमारे चाचा आदरणीय राम सिंह चौहान जी बल्लेबाजी करते हुए जो कुर्सियां हैं दर्शक खाली कर दे। जो दर्शक हैं एक एक डगआउट नगर की टीम का है तो दूसरा मास फाइटर का है। मंच के राइट साइड का डगआउट मास फाइटर टीम का है। कृपया सभी दर्शक जगह खाली कर दे। स्वागत करें मैदान पर दोनों टीमों के खिलाड़ी। मैदान पर है समय पर्चे प्राप्त करने के लिए
हमारे मुख्य अतिथि माननीय सुरेश चंद्री जी मैदान पर रहते हैं। भैया ताली बजाते हैं हमारे अंपायर संजय अकेला जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इस तरह की कड़ाके की धूप में खड़े रहकर लगातार मुख्य अतिथि जी मंच पर आते हुए पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया मार्क पेटर के कप्तान ने। महुआ के कप्तान अब 16-16 ओवर का मुकाबला रहेगा। 5 ओवर है बैटिंग का ऑफ लेके एक गेंदबाज 4 ओवर डालेगा, बाकी के सभी गेंदबाज 3-3 ओवर डालेंगे। बहुत ही रोमांचक मुकाबला देखने को मिलेगा आज सभी दर्शकों को। भारी मात्रा में दर्शक मुकाबले को देखने के लिए मैदान पर आए हैं। ओपनिंग करने वालों को मैदान पर भेजें, मां फाइनल की कप्तान कन्हैया ओपनर करने वालों को मैदान पर भेजें। ओपनर बल्लेबाज मैदान पर जाते हुए कन्हैया और गेल की जोड़ी मैदान पर जाते हुए दोनों ही तूफानी बल्लेबाज हमारे लिपि मास्टर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि सुरेश चंद्र तिवारी जी का स्वागत करते हुए कैलाश बाबू जी से निवेदन है कि माल्यार्पण करें, जोरदार तालियां बजाएं सभी दर्शक आकर माल्यार्पण कर मुख्य अतिथि का स्वागत करें, उनका स्वागत करें। हमारे बाबू जी सभी मुख्य अतिथि का माल्यार्पण करते हैं। बहुत ही खूबसूरत गेंद बल्लेबाज के रडार से दूर होता इस बार एक और गगन चुंबी इकट्ठा निकलता एक और बेहतरीन शॉट निकलता हुआ फेल रिजल्ट गगन चुंबी इकट्ठा लगा के बहुत ही खूबसूरत शॉट काफी तेज करने पर खेल खेला कन्हैया जी ने दंडराता हुआ चौका मिलता हुआ अच्छी बल्लेबाजी करते हुए बड़ा शॉट खेलने का प्रयास किया है कैच उड़ गई है ठीक करने में कोई गलती नहीं थी पहली सफलता में धर्मेंद्र कुमार उस गेल एक तूफानी नाम क्रिकेट जगत में अच्छी गेंद थी हल्के हाथों से खेल कर सिंगल दोहराना चाहते थे लेकिन एक और बेहतरीन शॉट काफी लंबा छक्का मार दिया है यहां पर गेंद गायब कर दी इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास बांध कर आते हुए
बैट में भी मुफीन ने बहुत ही लंबा छक्का लगाया यहाँ पर हरीश ने पावर बहुत ही खूबसूरत शॉट लेकिन टीम रहे पीछे एक और बड़ा शॉट निकलता हुआ गेल के बल्ले से तूफानी छक्का वो टीम भी अपना जश्न मनाए पार्टी मनाए एक और खूबसूरत शॉट निकलता हुआ गेल के बल्ले से लेकिन दौड़ कर रन नहीं लेंगे मना किया है साथी खिलाड़ी एक और बेहतरीन शॉट गेंद सीधा बाउंड्री लाइन के बाहर जाती हुई चार रनों के लिए दंडनाता रिवर्स खेली गई शॉट गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क हुआ एक और दंडनाता हुआ बाद सामना करेंगे हरी तूफानी बल्लेबाज है बड़ी शॉट खेलने का प्रयास नीचे कोई खिलाड़ी नहीं है एक रन आसानी से खेलकर काफी भारी मात्रा में पुरस्कार भी करते हुए दोनों ही बल्लेबाज बहुत ही खूबसूरत गेंद थोड़ा सा इस बार दिशा से बटके अच्छी शॉट खेली यहां पर गेल ने एक और फिर से अच्छी लाइन और लेंथ के साथ गेंदबाजी इस बार कट किया है खिलाड़ी गेंद के पीछे भागते हुए अच्छी फील्ड वहां पर एक और मौका मिलता हुआ छाछठ रन था मात्र सात रन दिए थे इस बार एक और अच्छी शॉट एक और दंडनाता हुआ चौका पर टोटल की दूरी बनाकर बैठेंगे सिंगल डबल नहीं ले रहे बल्ले वापसी कर एक और अच्छी शॉट निकलती हुई हरीश के बल्ले से बहुत ही खूबसूरत शॉट सीधे बल्ले से लेकिन खिलाड़ी पीछे मौजूद है करारा प्रहार एक बार फिर से तेजी से भागे और एक रन आसानी से पूरा किया बहुत ही शानदार छक्का निकलता हुआ गेंद के बल्ले से एक और करारा प्रहार लगाने का प्रयास किया लेकिन यहां पर कैच छोड़ते हुए अच्छा शॉट यहां पर एक रन आसानी से पूरा करते हुए बल्ले सीधे हाथों से खेला एक रन आसानी से पूरा किया गेल ने खेल करने का सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट करते हुए लगातार बल्लेबाज बहुत ही बढ़िया शॉट यहां पर निकलती हुई गेंद के बल्ले से एक और कभी चुंबी छक्का लगाने में कामयाब हुए टावर तोड़ बल्लेबाजी करते हुए गेंद कमेटी के सदस्य चारों तरफ रहे मैदान के गेंदे उठाते रहे भारी मात्रा में गेंदों को गायब करते हुए बल्लेबाज गेंद
कप जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया मास राइडर के कप्तान करहिया ने। अच्छी बल्लेबाजी करते हुए समय उनके बल्लेबाज एडवोकेट अवनीत सिंह चौहान जी द्वारा 21,000 रुपए कमेटी को सहयोग देने का वादा किया गया है। एक बार फिर से करारा प्रहार किया गेल ने चौका बटो इस बार गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क नहीं था। स्टोर अर्चना एंटरप्राइजेज सिंह किराना स्टोर सुब्र कम्युनिकेशन सिंह बेकरी ज्ञान ब्रिज फील्ड लकी कॉस्मेटिक सेंटर एडवोकेट सूरज सिंह एडवोकेट प्रखर मिश्रा सीआरएफ ट्रिमिंग एंड फ्लोरिंग विजय एंटरप्राइजेस इसी बीच एक और गगन चुंबी छक्का लगाते हुए बल्ले छक्कों की बारिश नहीं हो पा रही है। एक और खूबसूरत शॉट निकलता हुआ हरीश के बल्ले से दंडनाता हुआ चौका पर से गेंदबाजों के ऊपर एक और बड़ा प्रहार यहां पर हरीश के बल्ले से निकलता हुआ समय का विशेष ध्यान रखें। टाइम आउट समाप्त हो गया है। समय का विशेष ध्यान रखें। अंपायर मैदान पर पहुंचे और मुकाबले को चालू कराएं। कि मैदान पर पर भी आ जाए वो पोस्टर जो लगा पीछे वाला कुमार 88 रनों पर बल करते हुए गेंदबाज और धर्मेंद्र कुमार 88 रन के निजी स्कोर पर आउट होते हुए सामना करेंगे वैसे फिर से सीधे बल्ले से खेला लॉन्ग ऑन की तरफ एक रन गेंद को उठाया हवा में गेंद और ये दूसरी सफलता अच्छी गेंदबाजी यहां पर एक बड़ी सफलता और एक बार फिर से खेल दिया सिंगल के लिए गेंद को इसी के साथ 150 रन पूरे हुए और एक और सिंगल के साथ और एक और रन फील्डर पीछे दूसरा लेने चाहे तेजी से दौड़ पड़े हैं फील्डर ने गेंद को फील्ड की और इस बार गेंद को फील्डर के हाथों में खेला एक रन है। बॉलर राजकुमार अपनी दूसरी गेंद लेकर सामना करेंगे हैरिस और इस बार गेंद को खेल दिया गैप में और बहुत ही आसानी से चौका प्राप्त गेंद लेकर तेजी से दौड़े हैं और अच्छी फील्डिंग वहां पर एक रन चुरा लिया मगर और दूसरे रन के लिए फिर
इस बार गेंद को मिड विकेट के क्षेत्र में खेला है, जब तक फील्डर फील्ड करते एक रन छोड़ा। अवस्थी जहां कहीं भी हो कमेंट्री बॉक्स में आ जाए। इस बार गेंद को उठाया हवा में मगर वापस नहीं, दो रन छुड़ा लेंगे। इस बार गेंद को उठाया है और बहुत ही बड़ा छक्का यहां पर, काफी देर ना करेंगे धीरज, बहुत ही इस बार गेंद और बल्ले का बहुत ही अच्छा संपर्क हुआ, गेंद को मार दिया है लगभग 2-3 किलोमीटर दूर जाकर, बरोबर बढ़ाते रहे। एक और इस बार फिर से गेंद और बल्ले का बहुत ही अच्छा संपर्क हुआ, एक और बेहतरीन शॉट, गेंद हिला कमेंट्री। बहुत ही लंबा छक्का निकलता हुआ एक बार फिर से बैटिंग करते हुए, काफी तेज ग्राउंड का शॉट खेला था। फील्डर से वहां पर कैच हो सकती थी। चलो ठीक 20 ओवर 16 इस बार फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बहुत ही बड़ा छक्का लगाने में कामयाब, बहुत ही करारा प्रहार, गगन चुंबी छक्का लगाते हुए पहली। एक और बड़ा शॉट खेलने में कामयाब हुए, गेंद एक सीमा रेखा काफी तेज ग्राउंडेड शॉट पीछे, अच्छी गेंदबाजी करते हुए काफी लंबा ज्यादा रन आप इनका, लेकिन इस बार गेंद और बल्ले का अच्छा संपर्क, काफी तेज ग्राउंडेड शॉट, खिलाड़ी पीछे मौजूद है। पहली ही गेंद पर बहुत ही लंबा छक्का, दूसरा बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, मैं फील्ड होती हुई कैच उड़ गए। एक बार फिर से काफी बड़ा शॉट खेला गगन चुंबी, एक और गगन चुंबी छक्का निकलता हुआ, लेकिन इस बार गेंद दूरी नहीं देख पाई। सिंगल लेना चाहते थे अंतिम गेंद पर, वाइड बॉल का इशारा कर दिया, निर्धारित 16 ओवरों का मैच है, अंतिम गेंद पर खूबसूरत शॉट निकलती हुई, एक और दंडराता हुआ चौका स्कोरबोर्ड में जुड़ता हुआ, 241 रन बनाए। सभी खिलाड़ी मैदान पर रुके रहे, नगवामो के सभी खिलाड़ी पहले बल्लेबाजी करने उतरी मार्स फाइटर की टीम, साबर से बल्लेबाजी कर पर मैच जीतने के लिए 242 रन चाहिए नगवामो की टीम को, अच्छे बल्लेबाज है उनकी टीम में। टावर तोड़ हुआ रहा तूफानी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं सभी बल्लेबाज, नगवामो के सक्षम है किसी भी स्कोर को चेस करने में, दर्शकों का भरपूर प्रदर्शन किया सभी बल्लेबाजों ने। एक मिनट पर होल्ड रखो आप लोग, अबे खड़े रहो, रेड बुल वाला लोगो सामने रहना चाहिए, चलो ठीक है, बस ठीक है, रेडी होल्ड रखना ही, खींचो मैडम खींचो भैया, ले आराम से ठीक है, हां ठीक है, जैसे बैठे तो भाई 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 जाओ मुंह में लगा लो, हां भाई सही, अरे गए जाने बोल दी इनका सफेद नहीं काटा, कल
हेलो हेलो 15 मिनट का ब्रेक है, पानी वानी पी लें आराम से सभी खिलाड़ी। माले होंगे, माल ले बहुत नहीं कर रहे तुम तो जाओ। बहुत ही अच्छी जोरदार अपील की है यहाँ पर। इस बार गेंद और बच्चे का अलग अच्छा संपर्क, आगे बढ़कर खेलना चाहते थे पूरी तरह से भी। बहुत ही अच्छी गेंद थी, हल्के हाथों से खेलकर एक रन चुराया बल्लेबाज ने। इस बार बहुत ही खूबसूरत शॉट खेलते हुए बल्लेबाज गैप सोनू के बल्ले। हम सबके प्रिय आदरणीय चाचा श्री पवन सिंह चौहान जी का, जिनका निरंतर सहयोग हमें हम सबको मिलता रहता है। इलेक्ट्रॉनिक मार सिटी न्यू कमल ट्रेडर विनीत ब्रिकेल माँ वैष्णो देव लगातार मैच की रिकॉर्डिंग पर आते रहे हैं, काफी ज्यादा मेहनत की हमारे सभी कैमरामैन ने। बहुत ही करारा प्रहार लेकिन दूरी नहीं तय कर पाए खिलाड़ी। बक्सी का तालाब क्षेत्र में ग्रामीण स्तर पर पहली बार इस तरह की भव्य प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। और कांग्रेस लेकिन उनके प्रतिनिधि यहां पर आभारी हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं उनका। युवाओं की प्रेरणा है लल्लू। बड़ा शॉट खेला यहां पर और इस बार गेंद ने पूरी, जिनका पूरा सहयोग इस प्रतियोगिता में रहा और आगे भी रहेगा उन्होंने वादा किया है। आकाश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महीने के बीच में खेली जाएगी, अगले साल की योजना है, ये बन रही है समय बीपीएल टू अगला सीजन दिसंबर और जनवरी में कराया जाएगा। अच्छा मैच चलता हुआ
लगन कौन उड़े जा रहे हैं। वो सो गए यहाँ यार, सो गए यहाँ यार लंबे लंबे बात। मोहम्मद हसीब और समीर की जोड़ी अभी मैदान पर है। अगले गेंदबाज कन्हैया लाल भाई, ठीक है कन्हैया लाल कहाँ गए? 215 रनों की अभी भी जरूरत है 78 गेंदों पर। लगभग 16.5 रन पर ओवर की औसत से रन बनाने होंगे बल्लेबाजों को। क्लासिकल बल्लेबाज मोहम्मद समीर और तूफानी बल्लेबाज मोहम्मद हसीब मैदान पर है। समय अच्छी सबाजों के ऊपर बहुत ही अच्छी फील्डिंग वहां पर अपने फॉलो थ्रू में। लगातार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, बड़ा शॉट खेला यहां पर समीर ने, लेकिन खिलाड़ी थे उनकी से। लेकिन इस बार फील्डर ने कोई बम होकर कप्तान आउट होकर पवेलियन की तरफ जाते हुए अगले बल्लेबाज पहले तूफानी बल्लेबाजी की जगह बनाई अपनी नगुआमो 11 ने। विकेट गंवा दी अपने, पावर प्ले का अंतिम ओवर चलता हुआ, वाइड बॉल का इशारा, फिर से बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद काफी दूर थी खिलाड़ी से। अच्छा प्रयास किया गया वहां पर फील्डर के द्वारा। फिर से धन्यवाद करना चाहूंगा बीपीएल वन में हमारे जो भी स्पॉन्सर्स रहे उनका, सभी का, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं बीपीएल वन के, आर के लान भारी ललित कुमार जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, उनका धन्यवाद देता हूँ। युवाओं के लिए वो हमेशा कुछ ना कुछ करते रहते हैं ललन कुमार जी, बार में फिर से ललन कुमार जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद प्रकट करता हूँ। रन बनाने का कुमार उर्फ गेल गेल अच्छी गेंदबाजी करते हुए बहुत ही अच्छी गेंद, पूरी तरह से चकमा दिया, रन पर ओवर की जरूरत, अच्छी गेंद जाने दिया बल्लेबाज ने कीपर के हाथों में, विकेट कीपर हैरिस अच्छी विकेट कीपिंग करते हुए। फिलहाल 196 रनों की अभी भी आवश्यकता है 53 गेंदों पर। बंगाली
एक और विकेट गिरता हुआ, पांचवें विकेट का पतन होता हुआ, आधी टीम आउट होती हुई। क्या बता रहा आपको, बुला रहा है वो, कहाँ बुला रहा है? इरफान आए हैं नए बल्लेबाज, मैच को लगभग समाप्त करते हुए पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया है, मैच पर मजबूत पकड़ बनाते हुए। काफी संघर्षों के साथ फाइनल में पहुंची थी नगवा मोई 11 की टीम, अच्छा प्रयास किया सभी खिलाड़ियों ने, उनके कप्तान मोहम्मद हसीफ ने अच्छा प्रयास किया, फाइनल तक ले गए अपनी टीम को, लेकिन अंत में आकर तो बल्लेबाजी करते हुए मार्स फाइटर ने 241 रन बनाए थे 16 ओवरों में, होगा और अच्छा प्रदर्शन करें। एक और बड़ा शॉट निकलता हुआ इरफान के बल्ले से, अच्छा प्रयास वहां पर, बल्लेबाज के पास अंपायर संजय अकेला जी ने बहुत ही अच्छी शॉट यहां पर निकलती है, सभी के बल्ले से की आवश्यकता अभी भी है। एक और खूबसूरत शॉट यहां पर निकलती हुई समीर के बल्ले से, गेल गेंद का पीछा करते हुए जब तक पहुंचते। अच्छी फील्डिंग वहां पर हरीश के, मास फाइटर की टीम ने सभी अपने सभी मुकाबलों में तूफानी बल्लेबाजी की है अभी तक, पहले मुकाबले में तो इस बार एक और गगन चुम्बी छक्का लगाते हुए गौरव अवस्थी जी, इस बार काफी ऊंचे खेली गई शॉट, पीछे से फील्डर, अच्छी कैच पकड़ी सौरभ ने, बड़ा विकेट। प्रदेश मीडिया प्रभारी संयोजक युवा नेता ललन कुमार जी की तरफ से कुछ कैलेंडर बांटे जा रहे हैं जो सभी दर्शकों के लिए हैं, मैं एक बार फिर से उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, ललन कुमार जी हर तरह से क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, इसी बीच एक फिर से रिवर्स खेलने का प्रयास पूरी तरह से बीट, हर एक गेंद के साथ तरफ से उनके अथक प्रयासों से प्रतियोगिता को कराना संभव हुआ है, प्रतियोगिता के सभी स्पॉन्सर्स का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा, मैं उनका आभारी हूं, धन्यवाद प्रकट करता हूं, विशेष धन्यवाद ललन कुमार जी का जिनका विशेष सहयोग है। MCC क्रिकेट टूर्नामेंट
राइज प्रतियोगिता में 42 रन जो कि पलहरी वॉरियर्स की टीम ने बनाया। मार्स फाइटर के कप्तान हैं कन्हैया जी, अपनी टीम के लिए थोड़ा आराम करते हुए। इस बार सीधे बल्ले से खेली गई शॉट, चार और एक और अच्छी शॉट निकलती हुई, एक और काफी ऊंची खेली गई शॉट, नीचे खिलाड़ी मौजूद हैं, अच्छी कैच पकड़ते हुए 40 रन बनाए मार्स फाइटर ने। उसके बाद अच्छी गेंदबाजी की, दबाव में थे सभी बल्लेबाज नवगामों के। बहुत ही खूबसूरत शॉट निकलती हुई बल्ले से 6 रनों के लिए, और स्टंप उखाड़ने के लिए तैयार हैं मार्स फाइटर के खिलाड़ी। मैच को जीतते हुए गेंद उठा लें अंपायर, 126 रन बनाए 16 ओवरों में 7 विकेट के नुकसान पर, 115 रनों से मुकाबले को जीतते हुए मार्स फाइटर के खिलाड़ी। विजेता टीम को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयां और उप विजेता टीम को भी बहुत सारी बधाई। मुकाबला समाप्त होता हुआ, बीपीएल प्रतियोगिता समाप्त होती हुई, दोनों ही टीमें अच्छा प्रदर्शन रहा दोनों टीमों का, फाइनल तक पहुंची, निराश नहीं होना होगा खिलाड़ियों को, नवा मऊ 11 के खिलाड़ियों को निराश नहीं होना होगा क्योंकि क्रिकेट है, एक ही टीम मैच जीतेगी। अच्छा प्रदर्शन रहा मार्स फाइटर का मुकाबले को जीतते हुए। कुछ ही क्षणों में प्रतियोगिता के सभी पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। I don't know.
जहाँ पर देव सबका बहुत जने हैं।